तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज आप लोग लेके आ गए हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसे कि बहुत सारे लोगों को एनिमल्स में लगाने के मतलब एनिमल्स में बोन लगाने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। मुझे भी होता था, तो मैं जो है अब सॉल्व कर लिया हूँ प्रॉब्लम। और बहुत सारे जो है एनिमल्स के ऊपर मैंने वीडियो बनाए हैं, एलिफेंट में किस तरह से लगाए, ठीक है, डायनासोर में किस तरह से लगाएं। सारा वीडियो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, बट आप लोग मेरे चैनल में जाके विजिट करना, चैनल में आप लोगों को सारे वीडियोस मिल जाएंगे किस तरह से जो है एनिमल्स में बोन लगाने चाहिए। बाकी इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को फुल ऑन डिटेल, ठीक है, जितना डिटेल मैंने उस वीडियो में नहीं बताया है उतना डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। उसमें आप लोगों को डिटेल बताया है, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों को जो है प्रॉब्लम आ रहा था कि जो इसका बॉडी से जो बोन जो है वो अलग हो जा रहा था, कुछ लोगों का जो है परफेक्टली जो है अलग अलग चीज़ हो जा रहा था, मतलब जैसे कि मतलब कह रहे आपका जो है आइज अलग हो जा रहा था, ठीक है, कभी कभी जो है उसके लेग्स अलग हो जा रहे थे। तो उस तरह का सारा प्रॉब्लम इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे कि किस तरह से जो है आप लोग परफेक्ट तरीके से जो है एनिमल्स में रिगिंग कर सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करें। तो चले गए, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं और एक न्यू प्रोजेक्ट ऑन कर लेते हैं ताकि हम लोग जो बना पाएँ, तो सिंपली हम लोग यहाँ प्लस के आइकन में क्लिक करेंगे और यहाँ से जो हमारा मॉडल है उसे हम लोग इंपोर्ट कर लेंगे। किस तरह से इंपोर्ट करना है आप लोगों को पता होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है चलो उन लोगों को बता देते हैं। सिंपली 3 लाइन में क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद यहाँ 3D इंपोर्ट दिखेगा, सिंपली क्लिक करना है। और आप लोगों को इस तरह का इंटरफेस नहीं आएगा, आप लोगों को सिंपली इस तरह का इंटरफेस आएगा रिसेंट का, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, यहाँ पर 3 लाइन में क्लिक करना। आप लोग का जो डिवाइस है मेरा रेडमी नोट 4 है, आप लोग पता कर सकते हो ये मोबाइल के बारे में कि मैं किस तरह का मोबाइल में बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने आप लोगों को बता भी दिया। अब देखो आप लोगों को जो अपना खोज लेना है, हो सकता है आप लोग डाउनलोड्स पे ही रखे होगे, लेकिन मैं उसका जो है अलग में मैंने डाल दिया है एनिमल्स नाम से एक फोल्डर बना के। तो सिंपली मैं वहाँ से अपने जो है एनिमल है उसका जो है ऑब्जेक्ट हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगेगा, एनिमल्स थोड़ा सा ज़्यादा MB का था, ठीक है, 6 MB का था पूरा टेक्सचर उक्सचर मिला के, ठीक है। लेकिन अभी मान लो 2 MB का लगभग बन गया होगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसे थोड़ा सा हम लोग फटाफट से इंपोर्ट होने देते हैं थोड़ा देर टाइम लगने से, ठीक है। और जब तक ये इंपोर्ट हो रहा है तब तक आप लोग फटाफट से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, ताकि हमारा नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाए और हमें थोड़ा मोटिवेशन मिले अगर आप लोग लाइक करते हो तो, ठीक है, मोटिवेशन मिलता है। तो इससे हम लोग देख सकते हो आप लोग यहाँ पर आ चुका है। तो सबसे पहले तो आप लोग थोड़ा छोटा मत बनाना, ठीक है, छोटा में आप लोग जो है इसमें बोन मत लगाना, थोड़ा सा बड़ा कर लेना। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर जाएंगे ट्रांसफॉर्म में और इसका स्केल को हम लोग पूरा बड़ा कर लेंगे, ठीक है। और आप लोगों रुको रुको रुको, थोड़ा सा डाउट हो जाएगा आप लोगों को कि जो हमारा जो है किस तरह से आप लोग ट्रांसफॉर्म में गए। तो सिंपली हम लोग जो है पूरा बॉडी को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, सिंपली इसमें सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे जाना है और यहाँ पर आप लोग स्केल दिखेगा, तो स्केल में जाके आप लोग 6 कर देना है सारे को, थोड़ा सा बड़ा करना है, 10 तक करना है, ठीक है, ज़्यादा बड़ा मत करना। ज़्यादा बड़ा करने से जो है आप लोगों का मेमोरी फुल हो सकता है, जब आप लोग रेंडर करोगे तो दिक्कत आने का चांसेस थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि सारा चीज़ बड़ा हो जाता है तो आप लोगों का कैमरा फिर बड़ा करना पड़ता है, बहुत चीज़ प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो इस तरह से जो हम लोग सारे को कर लिया है, उसके बाद हम लोग सबको यहाँ ऊपर कर लेंगे, ठीक है। तो जो हम लोग आप लोगों को बताने वाले थे जो प्रॉब्लम की आय अलग हो जाता है, कुछ कुछ अलग हो जाते हैं, तो इसमें जो अलग होता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सिंपली जैसे हम लोग यहाँ पर उसका बॉडी में क्लिक करेंगे, तो जैसे कि आप लोग जैसे इसको हम लोग बाहर की ओर करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ जो इसका आइज़ है और इसका टीथ जो है वो दोनों अलग हो जाता है, ठीक है। क्यों अलग हो जाता है, फिर यहाँ पर हम लोग यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ से फिर देखो यहाँ अलग हो गया, इतना सारा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से बैक चले जाना है, ठीक है, थोड़ा सा पीछे कर लेना है, अंडू कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को सिंपली यहाँ पर जैसे इस तरह से आओगे तो सबसे पहले आप लोग बोन लगा लेना है, लास्ट में आप लोग को बताएंगे कि क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बोन लगा लेना है फुल बॉडी में, ठीक है। तो बोन लगाने के लिए आप लोगों को पता ही होगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इसको सेंटर में इस तरह से ले लेंगे स्क्रीन में, उसके बाद सिंपली हम लोग जो बॉडी में क्लिक करेंगे और बॉडी में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप लोगों को सिंपली यहाँ पर दिखेगा एक ऑप्शन बोन का, ठीक है, सिंपली इसमें क्लिक करेंगे। ये रिगिंग का ऑप्शन है, बहुत लोग बोन बोलते हैं, बहुत लोग रिगिंग बोलते हैं, अलग अलग तरह के बोलते हैं, ठीक है, तो मैं इसे रिगिंग भी बोलता हूँ, बोन भी बोलता हूँ। तो सिंपली हम लोग फिर यहाँ पर सबसे पहले देखो आप लोग जो सबसे पहले फर्स्ट गलती करते हो कि जो आप लोग जब बोन लगाते हो तो उसे सेंटर में नहीं लगाते हो, आप लोग यहाँ लगा देते हो, कोई यहाँ लगा देता है, कोई बीच में लगा देता है, तो आप लोग क्या करना रहता है, क्या सही ठीक रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आप लोग लगाते हो ना बोन, फर्स्ट बोन जो आप लोग होता है वो जो है फर्स्ट बोन जो रहता है वो फुल बॉडी को कंट्रोल करता है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा किस तरह से जो है जो फर्स्ट बोन है वो फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। तो आप लोगों को सिंपली जो फर्स्ट बोन रहता है ना उसको सबसे पहले सेंटर में लगाना रहता है, तो यहाँ मैं सेंटर को क्लिक करूँगा
और इस तरह से मैं सेंटर में लगा लूँगा। उसके बाद है आप लोगों को बॉडी का जो अपर साइड है, ठीक है, जो ये साइड दिखता है आप लोगों को, ठीक है, मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, ये साइड जो आप लोगों को दिखता है, इसमें सबसे पहले आप लोगों को इस तरह से बोन लगाना होगा, ठीक है। तो मैं इसे हटा लेता हूँ, अब इसे हम लोग फटाफट से बोन लगा लेंगे। तो सबसे पहले कि यहाँ लगा लेंगे, ठीक है, और यहाँ लगाने के बाद हम लोग यहाँ लगा लेंगे, ताकि हमारा जो ये वाला जो है, ये जो बोन हम लोगों ने अभी लगाया है, ये हम लोग फुल इसका लेग्स में यूज करेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग गर्दन में लगा देंगे और इस एक इसके यहाँ पर लगा लेंगे। अगर आप लोग चाहते हो कान में लगाना तो कान में भी लगा लेना, ताकि आप लोग कान का एनिमेशन कर पाओ, ठीक है। इसे हम लोग उठा कर सिंपली यहाँ पर कर लेंगे, इस तरह से आप लोग कर लेना, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर बैक जाना है, और इसका अब जो है बैक वाले साइड में भी लगा लेंगे हम लोग इस तरह से, देखो इस तरह से आप लोग लगा लेना। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा जूम कर लेना, इसीलिए मैंने 6 बोला था, ताकि जो आप लोग जूम करोगे तो आप लोग को दिक्कत ना हो। तो इस तरह से जूम करके जो इसका जितना भी पूंछ है, ठीक है, उसमें आप लोगों को इस तरह से लगा लेना है। थोड़ा सा और इधर जाएंगे हम लोग, जूम करेंगे हल्का सा, और यहाँ पर इसे लगा देंगे इस तरह से। जो आप लोगों को जो अभी बिगनर है, उन्हें थोड़ा सा दिक्कत होगा बोन लगाने में, क्योंकि वो जो है कंट्रोल कर नहीं सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को कंट्रोलर सीखना है पूरा, इसे प्रिज्मा थ्री को किस तरह से कंट्रोल करते हैं हम लोग, जैसे कि देखो मैं परफेक्टली कंट्रोल कर पाता हूँ, ठीक है, कोई भी चीज़ मुझे करना रहता है तो मैं इधर जूम इन जूम आउट परफेक्टली कर पाता हूँ। वो क्यों कर पाता हूँ, आप लोगों को सारा अगर डिटेल सीखना है कंट्रोलर का, तो आप लोग मुझे बताना, कमेंट करना कि कंट्रोलर सिखाओ, ठीक है, तो मैं कंट्रोलर सिखा दूंगा आप लोगों को। इस तरह से बोन लगने के बाद आप लोगों को सिंपली इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों को सिंपली एक बोन यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। आप लोगों को देख लेना क्या आप लोगों का और एक गड़बड़ होता है, ठीक है, जब आप लोग यहाँ बोन लगाते हो ना, तो यहाँ बोन लगाने की वजह से जो ये वाला बॉडी है ना, ये वाला पार्ट है, वो भी नीचे खिंचा जाता है। जब आप लोग पैर को आगे पीछे करते हो तो वो भी आगे पीछे होता है, इसीलिए आप लोगों को क्या करना है, जो अपना जो ये वाला बोन है उसको थोड़ा सा नीचे करके लगाना होगा, ठीक है, इस जगह पे लगाना, ताकि जो है हमारा वो परफेक्टली वर्क करे और सटे ना, ठीक है, वो पीछे वाला काम ना करे। तो इस तरह से आप लोग नीचे कर लेना, लेकिन नीचे मत करना इस तरह से, ठीक है। मैं फिर से एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, थोड़ा सा मैंने गड़बड़ कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली इसको जैसे सेलेक्ट करूँगा मैं, तो आप लोग सबसे पहले इस तरह से इंटरफेस लेना, और एक यहाँ बोन लगाना है, थोड़ा सा पीछे चल जाएगा बोन, उससे कोई दिक्कत नहीं, हम लोग आगे कर लेंगे इस तरह से, ठीक है। इस तरह से करने के बाद आप लोग थोड़ा सा इस जगह पे आना है, और इस जगह पे जाके इस जगह पे बोन लगाना है, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आप लोग बोन लगाना। देख लो मैं किस तरह से लगा रहा हूँ, अगर एक बार में समझ नहीं आ रहा दूसरा बार देख लेना, ठीक है, फिर आप लोग बोलते हो समझ नहीं आ रहा, आप लोग पूरा वीडियो देखो बिना स्किप करे, फिर आप लोग इस तरह से इंटरफेस लाना और एक इस जगह पे लगाना है। देख लो किस तरह से मैं बोन लगा रहा हूँ, ठीक है, किस किस जगह पे लगा रहा हूँ। अगर आप लोग इस कैरेक्टर का आप लोगों को जो है चाहिए मॉडल का लिंक, तो मॉडल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, ठीक है, आप लोग वहाँ से इस मॉडल का लिंक जो है आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो, और चाहो तो इस तरह के और भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर लेना है इस तरह से, और एक यहाँ क्लिक करना है, और इस बोन को सेलेक्ट कर लेना है, और इसे यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आप लोग का ये जो है बीच से काम करेगा थोड़ा सा, ठीक है, इस तरह कर लेना है। उसके बाद आप लोग थोड़ा सा जूम करना और एक बोन यहाँ फिल कर देना, ठीक है, ताकि जो हमारा लेग का नीचे वाला पार्ट है वो परफेक्टली वर्क करे। और अगर आप लोग चाहते हो और परफेक्टली, तो यहाँ पर एक लगा देना, ठीक है, ताकि जो है इसे भी हम लोग थोड़ा सा एनिमेट कर पाएँ आगे पीछे बनाने टाइम। उसके बाद आप लोग अगर चाहते हो कि इसका जो है एनिमेशन वीडियो भी मैं लेके आऊँ, तो एनिमेशन वीडियो के लिए आप लोग सिंपली मुझे लिख देना कि एनिमल्स का एनिमेशन वीडियो लेके आओ, ठीक है, तो मैं उसका एनिमेशन वीडियो बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को, किस तरह से जो आप लोग बना सकते हो एनिमेशन वीडियो, वो भी एनिमल्स का, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो इसका वॉकिंग में बहुत दिक्कत होगा, वॉकिंग किस तरह से करना है एनिमल को आप लोगों को समझ नहीं आएगा, आप लोग चारों टांग को एक बार भी मैं आगे पीछे कर दोगे तो उससे आप लोग को दिक्कत देखने को मिलेगा। तो आप लोग को फिर क्या करना है, आप लोगों को सिंपली इसको सेलेक्ट करना है, इस बोन को, और सेलेक्ट करने के बाद चाहो तो आप लोग इसको भी सेलेक्ट करते हो, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हो, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद सिंपली मैं एक इस तरह से इंटरफेस बना लूँगा, और यहाँ पर एक क्लिक कर दूँगा, थोड़ा सा नीचे कर लूँगा इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं रखेंगे। और इस तरह से करने के बाद हम लोग यहाँ पर और एक बोन ले लेंगे, ठीक है, इसके लिए हम लोग सिंपली इस तरह से इंटरफेस लेना है और इस जगह पर लगाना है, ठीक है, कभी भी कोई भी चीज़ जो है एक साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है, ठीक है। इस तरह से आप लोग लगा लेना, उसके बाद इसको सेलेक्ट करना और एक यहाँ पर लगा लेना, और इसको भी आप लोग चेक कर लेना जो ये परफेक्टली लगल रहना चाहिए, ठीक है, लगा हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोग देख के लगा सकते हो, तो बस नीचे ऊपर करके मिला लेना, इतना उतना दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, आप लोगों को लगाने में।
सिंपली अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ तक आप लोग कर लोगे उसके बाद थोड़ा सा। अब आप लोगों देखो एक चीज़ बता देता हूँ मैं, आप लोग जब बोन उन लगाते हो ना, मैं वीडियो बनाता हूँ इसीलिए कुछ कुछ नहीं कर पाता हूँ, जैसे कि आप लोग जब भी बोन लगा रहे हो ना, तो आप लोग यहाँ पर जाके यहाँ पर सेव का ऑप्शन में क्लिक करके प्रोजेक्ट को सेव करते रहना बीच बीच में। जैसे आप लोग थोड़ा सा बोन लगा लिए उसके बाद सेव कर देना, थोड़ा सा बोन लगा लिए फिर सेव कर देना, ताकि जो है आप लोग जैसे बीच में आप लोग जब कुछ काम करते करते जो है आप लोग को दिक्कत हो जाएगा और आप लोग को पूरा कट जाएगा मोबाइल, ठीक है। मोबाइल जो है आप लोग का प्रिज्मा 3D पूरा बंद हो जाएगा, इसीलिए आप लोग बीच बीच में सेव करते रहना, ताकि जो है बाद में आप लोग को दिक्कत ना हो, ठीक है। उसके बाद आप लोग सिंपली इस बोन को सेलेक्ट कर लेना, और एक बोन सेलेक्ट करने के बाद आप लोग इस तरह से कर लेना इंटरफेस, ठीक है। और इस तरह का इंटरफेस करने के बाद जूम करके यहाँ पर एक बोन फिल कर देना है, और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम लोग इसे बोन को यहाँ पर, ठीक है। और सेम उस साइड भी कर लेना है इस जगह पे, देख लो। अब इस तरह से करने के बाद आप लोग क्या करना है, अब इसके एक नीचे में भी हम लोग जैसे आगे साइड में हम लोगों ने लगाया था उस तरह से यहाँ पर भी लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पर जो है यहाँ पर भी एक बोन लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे और इस जगह पे लगा लेंगे, या फिर पहले हम लोग पीछे लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर, और एक यहाँ पर लगा लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब आप लोगों को मैं दिखाऊंगा कंट्रोल करके भी जो हमारा कंट्रोल परफेक्टली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखो हमारा सारा बोन लग चुका है और हमें कोई बोन अभी चाहिए नहीं। अगर आप लोग चाहते हो माउथ उथ का, तो आप लोग थोड़ा सा दिक्कत होगा, क्योंकि हर मॉडल में आप लोग नहीं कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देखते हो एनिमेशन वीडियो जो रहता है उसमें जो अपना सब जो फिल्म उलिम में रहता है मूवीज़ में, उसमें जो है अपना वो लोग करेक्टर बनाते हैं, ठीक है, इसीलिए उन लोगों को जो परफेक्टली वर्क करता है। और हम लोग जो मॉडल लेते हैं वो स्केच फैब से लेते हैं या फिर जो है रिग मॉडल से लेते हैं, और वो लो एमबी का लेते हैं, इसीलिए हम लोगों को जो है परफेक्टली मॉडल नहीं मिल पाता है जिससे हम लोग परफेक्टली एनिमेशन करें। आप लोगों को अगर करना है तो आप लोग ब्लेंडर से कर सकते हो, ठीक है। आप लोग उसके लिए लैपटॉप का ज़रूरत पड़ेगा, अगर है तो आप लोग ब्लेंडर से करो, ब्लेंडर से आसान पड़ता है एनिमेशन करने में, ठीक है, लेकिन हार्ड है सीखने में। अगर आप लोग प्रिज्मा 3D सीख जाते हो जो लोग, उन लोगों को जो है थोड़ा सा ब्लेंडर में थोड़ा आसानी पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ आप लोग यहाँ सीख जाते हो जो वहाँ पर काम आता है। तो इस तरह से जब हम लोग पूरा लगा लेंगे, उसके बाद आप लोग सिंपली यस क्लिक कर देना है, और यहाँ पर 40 बोन लग चुका है, तो सिंपली यस कर देंगे हम लोग, ठीक है। यस करने के बाद हमारा जो है सारा बोन लग चुका है। उसके बाद आप लोग यहाँ दिखा देता हूँ मैं परफेक्टली सारा चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं। देखो ये जो है ये नहीं वर्क करेगा, क्यों नहीं वर्क करेगा, देखो ये जो करोगे ना आप लोग, तो इसका जो बॉडी है वो पूरे लेग्स भी हिल रहे हैं। क्यों हिल रहे हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने इसको इसके साथ अटैच किया है, ठीक है, इसके साथ अटैच किया है। आपको बताता हूँ किसके साथ, इसके साथ अटैच किया है, ठीक है। इस बोन को पूरा लंबा ले गया हूँ इसीलिए नहीं ये वर्क कर रहा है। इसीलिए मैंने गर्दन के लिए, मतलब जो हमारा निक है उसके लिए अलग मैंने लिया था, देखो ये वाला, जिससे जो हम लोग गर्दन हिला सकते हैं। लेकिन अभी आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारा आइज वो लग रहा है, अलग हो जा रहा है, उसको भी हम लोग सिखाएंगे आप लोगों को किस तरह से ठीक करना है। लेकिन उससे पहले हम लोग आप लोगों को दिखा देते हैं जो हम लोग जो बनाए हैं वो परफेक्टली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ देख सकते हो परफेक्टली वर्क कर रहा है हमारा जो है एनिमेशन, ठीक है, मतलब मॉडलिंग जो हम लोगों ने बोन लगाया वो परफेक्टली वर्क कर रहा है। कभी कभी मैं थोड़ा सा गड़बड़ बोल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब मैं बनाता हूँ वीडियो तो यहाँ पर भी ध्यान देता हूँ, वहाँ पर भी ध्यान देता हूँ, दिक्कत होता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप लोग को थोड़ा सा अलग दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखेगा, तो उसे आप लोग सॉल्व कर सकते हो अपने से, ठीक है। इस तरह से करके देख दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को थोड़ा थोड़ा। और आप लोग चाहते हो तो मेरे चैनल में बहुत सारे मतलब एनिमल्स में बोन लगाने का वीडियो मैंने डाला है, तो आप लोग मेरे चैनल में विजिट करो, वहाँ पर आप लोग बहुत सारे एनिमल्स का दिखेगा, तो आप लोग वहाँ सीख सकते हो। तो इसको सेलेक्ट करके आप लोग देख सकते हो, इसके जो पूँछ है वो आप लोग हिला सकते हो, थोड़ा सा रोटेट कर सकते हो आप लोग इसे, ठीक है। इस तरह से आप लोग थोड़ा थोड़ा हिला दुला के इसे रोटेट कर लेना, अपने हिसाब से रोटेट कर लेना, ठीक है, रोटेट मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से आप लोग कर लेना। तो चलो अब आप लोग को बताते हैं इसके आइज़ को आप लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो बॉडी को। जैसे मैं इस बोन को सेलेक्ट करता हूँ, जो मैंने आप लोग को बताया सेंटर जो बोन है, तो फर्स्ट बोन होता है, वो जो है फुल बॉडी को कंट्रोल करता है। किस तरह से करता है, देखो पूरे बॉडी को ये हिला डुला सकता है, पूरे बॉडी को इधर उधर भेज सकता है, इसीलिए मैंने बोला था फर्स्ट बोन जो है वो बीच में होना चाहिए आप लोगों का। इस तरह से करने के बाद आप लोग जो है, अब आप लोग जो मेन प्रॉब्लम आता है आइज़ को किस तरह से कनेक्ट करें, जो अलग ऑब्जेक्ट है उसे किस तरह से कनेक्ट करें। तो इस तरह से आप लोग किस तरह से कनेक्ट कर सकते हो वो भी मैं बताता हूँ। तो सिंपली आप लोग यहाँ क्लिक करना है, और जो ऑब्जेक्ट हम लोगों ने नहीं जोड़ा है, ठीक है, इसके साथ, जैसे एक ऑब्जेक्ट मैंने ये नहीं कनेक्ट किया है और एक ऑब्जेक्ट है ये, इन दोनों को मैंने कनेक्ट नहीं किया। तो इसको कनेक्ट करने के लिए आप लोग क्या करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को टेक्सचर लगा लेना है फुल बॉडी में। तो यहाँ मटेरियल में क्लिक करूँगा, टेक्सचर में जाऊँगा, प्लस कर लूँगा जो हमारा टेक्सचर था उसे, तो गैलरी से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग गैलरी में जाके जो हमारा टेक्सचर है उसे हम लोग ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ये वाला,
ठीक है। ऐड करने के बाद जो हमारा टेक्सचर आ चुका है, अब हम लोग को जो है आइज़ में भी लगाना होगा टेक्सचर, तो मटेरियल में क्लिक करेंगे और जो हमारा टेक्सचर देखो यहाँ पर जो टेक्सचर दिख रहा है सेम टेक्सचर इसमें भी लगा देंगे। सिंपली इसमें जाएंगे, टेक्सचर जाएंगे, इसे क्लिक कर देंगे, ठीक है। इसमें जाएंगे, टेक्सचर जाएंगे और इसी को कर देंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही हमारा टेक्सचर मिला था इसीलिए हम लोग इस तरह से करेंगे। देखो हमारा जो अंदर का भी टेक्सचर आ चुका है, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, थोड़ा सा जो इन लोगों ने टेक्सचर दिया है टेक्सचर ही में गड़बड़ है, जिसके वजह से जो हमारा टेक्सचर लगाने के बाद भी कुछ कुछ परफेक्टली नहीं शो हो रहा है, ठीक है। इसीलिए तो मेन बात आता है कि हम लोग जो इसका जो है ये वाला है किस तरह से कनेक्ट करें, ठीक है। तो कनेक्ट करने के लिए आसान तरीका है कि सबसे पहले आप लोग यहाँ से इसको ओपन कर लेना, इसके बोन्स को, ठीक है। इस तरह से जो है इनके बोन्स को पहले आप लोग पूरे तरह से ओपन कर लेना, ठीक है। परफेक्ट तरीके बता दूंगा, सारे बोन्स को इसको पहले आप लोगों को ओपन कर लेना है, इस बोन में हम लोग को जाना है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ से सारे बोन को पहले ओपन कर लेंगे, यहाँ पर इसको ऑन कर लेंगे, जहाँ पर जो ये वाला जो हम लोग को लास्ट बोन हम लोगों ने लगाया था वहाँ पर जाएंगे। देखो ये वाला बोन जो है यही हम लोग का इंपॉर्टेंट बोन है। तो सिंपली आप लोग को क्या करना है, यहाँ से इस तरह का इंटरफेस बनाना है और इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से सेलेक्ट करना है और इस बोन के अंदर फिल कर देना है, ठीक है। और फिर इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है और इसी बोन के अंदर सेलेक्ट डाल देना है, ठीक है। अब आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, जैसे मैं इसको सेलेक्ट किया, देखो अब हमारा जो आईज है वो बाहर नहीं आ रहा है। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। कुछ लोगों को जो है काउज में लगाने में दिक्कत हुआ था और उन लोगों ने मुझे बोला था कि भाई हम लोगों ने लगाया तो है लेकिन बट हमारा जो है उसके जो लेग्स है और जो उसका सींग है वो परफेक्टली वर्क नहीं कर रहा काऊ में, ठीक है, काऊ में। तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूँ इस तरह से आप लोग कर लेना ताकि आप लोग जो है सींग वो परफेक्टली वर्क कर दे, ठीक है। तो आप लोग अगर चाहते हो इसका एनिमेशन वीडियो देखना कि किस तरह से इसके जो है हम लोग एनिमेट करें टाइगर का जो वॉकिंग वीडियो किस तरह से बनाएं, तो उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट करना कि एक वॉकिंग वीडियो लेके आओ टाइगर का, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लगा लिए हैं, ठीक है। और आप लोग इसे सेव करते रहना बीच बीच में, जैसे मैं यहाँ पर सेव कर दिया हूँ। और जो है अब आप लोग क्या करना है, इसे जो है आप लोग का सेव हो चुका है। तो अब आप लोग एक और चीज़ बता देते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़। जैसे आप लोग करते हो तो आप लोगों को जब दूसरा वीडियो बनाते हो तो आप लोग वहाँ पर फिर से आप लोगों को जो है टाइगर में एनिमेशन करना मतलब बोन लगाना पड़ता है। तो उसके लिए आप लोग क्या करना, सिंपली बहुत आसान तरीका बताता हूँ। सिंपली आप लोग इसको सेलेक्ट करना, सेलेक्ट करने के बाद आप लोग चाहो तो इसका नाम चेंज कर लेना या फिर मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ और इसे यहाँ भेज देना, ठीक है। जब आप लोग दूसरा प्रोजेक्ट बनाओगे ना, जैसे कि मैं आप लोग को दिखा देता हूँ होम, जैसे हम होम चल गए, अब हम लोग को क्या दिक्कत होता है, जैसे आप लोग होम तो चल जाते हो उसके बाद आप लोग जो है दूसरा प्रोजेक्ट जब क्रिएट करते हो और उसमें आप लोग जब टाइगर का ज़रूरत पड़ता है तो उसके लिए आप लोग क्या करना, प्लस के आइकन में क्लिक करना और सिंपली इसमें क्लिक करना, क्योंकि हम लोगों ने सेव किया था। तो यहाँ देखो डायरेक्ट जो है हमारा मॉडल है उसे हम लोग यहाँ इम्पोर्ट कर सकते हैं इस तरह से। देखो बोन के साथ लगा हुआ हम लोग का जो है इम्पोर्ट हो गया इस जगह पे और आप लोगों को अब बोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ा। इस तरह से आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग नहीं जानते थे तो बताना, ठीक है, और अगर जानते थे तो अच्छा बात है। तो चलो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताना और लाइक कर देना, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं, बाय।